आज आपके मुलाकात कराता हूँ मैं शिक्षाविद राजेश बहुगुणा जी से। तो आइए मिलते हैं दोस्तों बहुगुणा जी से। स्टार्ट। बहुगुणा जी, जो ये शिक्षा नीति है और शिक्षा है, एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा के उसमें क्षेत्र में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्या है आपकी प्लानिंग? देखिए, प्लानिंग तो यह है कि आदमी का मानस ठीक हो जाए। अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो जब भी ठीक किया है तो आदमी ने ही ठीक किया है जी। और जब भी ख़राब हुआ है तो आदमी से ही ख़राब हुआ है, है ना? तो आदमी जो ठीक कर रहा है वो क्यों ठीक कर रहा है और जो ख़राब कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो ध्यान देंगे तो उसकी मानसिकता का मामला है ना? तो आदमी की मानसिकता जैसी होती है वैसा वो करता है। तो शिक्षा में मूल जो काम करने का है वो काम ये है कि उसकी मानसिकता ठीक हो जाए। तो प्लानिंग ये है कि आदमी की मानसिकता ठीक हो जाए, पहला काम है कि मतलब मेंटेलिटी जो है हाँ ठीक हो, बिल्कुल दोनों की जो है, पढ़ने वाले की भी, पढ़ाने वाले यानी सीखने वाले की भी और सिखाने वाले की भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। सिखाने वाले की मानसिकता ठीक होगी तो वो सीखने वाले की मानसिकता ठीक कर देगा, है ना? देखिए, नियम ये कहता है कि जो आपके पास होगा आप वही बांटोगे। हाँ, जो है वही बांटेंगे, है ना? आप अच्छी गणित जानते हैं तो आप अच्छी गणित सिखा लेते हैं, है ना? हमने अच्छा मोबाइल बनाया, हमारे बच्चों ने मोबाइल चलाना सीख लिया। हमने अच्छे रिश्ते बनाए होते तो हमारे बच्चे आज, मतलब आज हम बोलते हैं तो मुझे, मतलब मैं थोड़ा फ्रेंकली ये बोलूँ कि बच्चों की गलती दिखती नहीं है। भाई, बच्चों के पास जो उदाहरण है वो कर रहे हैं। हमने साइकिल चलाना सीखा, हमारे पूर्वजों ने साइकिल चलानी सीखी तो हमको साइकिल चलानी आई। आज हम स्कूटर चलाना जानते हैं तो हमारे बच्चे स्कूटर चलाना जानते हैं। हम रिश्ते चलाना जानते होते, है ना, चलाए हैं, किसी तरीके से चलाए हैं, किसी धार्मिक आस्था से चला दिए, पर वो मानसिकता में बैठ जाए, ऐसा बैठ जाए बिल्कुल जैसे कुदरत का कोई नियम होता है, है ना? जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है। अब इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। दुविधा नहीं, हाँ, दुविधा कब होगी? जब आप नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे, जब आप अपनी मानेंगे हम अपनी मानेंगे। भाई, अच्छा अच्छा आदमी कौन होता है? जैसे हम बोलते हैं पानी पीने से प्यास बुझती है, इसमें आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ। अब आपने बोला कि बड़ा आदमी, है ना? अब बड़ा आदमी देखेंगे तो बड़े आदमी के बारे में लोगों की मानसिकता बदल रही है, है ना? एक समय बड़ा आदमी कौन होता था? जो घर बार छोड़ देता था, समाज के लिए कुछ करता था। आज बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ी है, कोई बड़ा पद है। तो ये जो बदल रही हैं बार बार, हमारी मान्यताएं बदल रही हैं, इसकी वजह से बच्चा कन्फ्यूजन है। हमारी किताब में हम अभी भी गांधी बुद्ध पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में देखेंगे, जो बच्चा देखता है, बच्चा देखता है कि स्कूल में, घर परिवार में, गांव में किस आदमी का सम्मान ज़्यादा है, तो क्या दिखता है उसको? उसको दिखता है कि कौन से विधायक जी ज़्यादा बड़े हैं, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, सामान ज़्यादा है, घर में कौन बड़ा है। मतलब आज जो है भौतिकता की ओर, जो है भौतिकवाद की ओर ज़्यादा रुझान है। भौतिकता की वजह से मतलब भौतिकता की ओर रुझान होना कोई मुसीबत नहीं है जी। मुसीबत ये है कि हम दो जगह अलग अलग बात कर रहे हैं जी। हमारी किताबें कुछ और पढ़ा रही हैं, हमारी किताब ये बोल रही है कि जंगल, आपकी इधर भी लिखा रहता है ना, पर्यावरण जो है वो, और हम ऑल वेदर रोड भी बना रहे हैं। हाँ जी। जबकि एक बहुत सामान्य मनुष्य ये समझता है, समझदार आदमी ये समझता है कि पहाड़ में 6 महीने से ज़्यादा की यात्रा की जरूरत नहीं है। आप दिसंबर जनवरी में केदारनाथ जाके क्या कर लोगे? पर आप ऑल वेदर रोड बना रहे हैं और आप बोल रहे, और आप पर्या और सर, मतलब सरकार की बात मैं कर रहा हूँ या समाज की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी सरकार के लोग हैं, आपको तो वो पढ़ाना ही होता है जो सरकार ने आपको सिलेबस दिया है। तो सरकार में एक तरफ आप सुंदरलाल बहुगुणा को और चिपको आंदोलन को पढ़ाएंगे या गौरव देवी को पढ़ाएंगे, और बच्चा ये देख रहा है कि विधायक जी जो हैं, मतलब 10,000 जंगल काट करके जो है किसी बड़ी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो बच्चा कन्फ्यूजन में है। इसलिए बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहा है। आज से 100 साल पहले आपको याद होगा कि, या 50 साल पहले भी, हमारे बुजुर्ग भले ही कैसे भी रहे हों पर उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं दिखता था। अगर वो बोलते थे कि जंगल में देवता रहता है तो जंगल में देवता रहता ही था, जंगल बसते ही थे। तो हमने भी यही सीखा। अब जो हमारे बच्चों की और हमारे बीच में जो समस्या खड़ी हो गई, वो खड़ी ये हो गई कि हम किताब में पढ़ा कुछ और रहे हैं और उसे समाज में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है।
अच्छा, एक और बात आती है, जैसे ये है कि आज जो है बच्चों की मातृभाषा में जो है शिक्षा होनी है, इस पर भी विद्वानों में जो है कई जो है मत हैं। कुछ कहते हैं कि भाई छोटी आयु के बच्चे को मातृभाषा में सीखना चाहिए, कहीं आज जो है अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है व्यवहारिक रूप से। हाँ, तो इसमें क्या है कि हम जिसको बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देना, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात मानी जाती है ये कि नीर छीर विवेक करना है। तो देखिए, अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर अंग्रेजी अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी में पढ़ना, इसमें अंतर है। हमको अंग्रेजी को पढ़ना था क्योंकि हम भाई ग्लोबल दुनिया चल रही है ना, अपने को देश दुनिया से बात करनी है, तो हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे, फ्रेंच को भी पढ़ेंगे, पर हमने क्या किया कि अंग्रेजी में पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक नागरिक का बच्चा अंग्रेजी में पढ़ करके कुछ नहीं कर पाएगा, अंग्रेजी को पढ़ करके, अंग्रेजी को पढ़ करके कुछ कर पाए। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी लोग थे उन्होंने अंग्रेजी में नहीं पढ़ा, अंग्रेजी को पढ़ा और अंग्रेजों को भगाया। भाई भगत सिंह तो जिस कॉलेज में पढ़ते थे तो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ कॉलेज था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, है ना। तो हम अंग्रेजी को पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी में पढ़ाने लग रहे हैं। राजा राम मोहन राय जी का भी आता है कि अंग्रेजी के प्रति जो है, अंग्रेजी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने में जो है। हाँ, राजा राम मोहन राय, देखिए क्या है, हर आदमी जिस सराउंडिंग में रहता है तो कुछ चीज़ों को वो ठीक समझता है, उसकी प्रतिक्रिया में। तो उस समय क्या है कि जिस सोसाइटी से वो थे, पता नहीं पूरे भारत की क्या स्थिति रही होगी, कोई सर्वे तो हमारे पास है नहीं, पर जिस सोसाइटी में वो थे उस सोसाइटी में अंधविश्वास ज़्यादा था, सती प्रथा थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके मुकाबले जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उनकी औरतें खुला दिखती थी, है ना, उनकी औरतों को उतना ज़्यादा बंधन नहीं दिखता था, तो उनको ये लगा कि अंग्रेजी की वजह से ये है, है ना। हालांकि वो यूरोप का कल्चर है, वो अंग्रेजी पढ़ने की वजह से अंग्रेज वैसे नहीं थे, वो उनका कल्चर वैसा है। तो उनको लगा कि अंग्रेजी पढ़ाने से कुछ होगा, थोड़ा दिमाग बदलेगा, थोड़ा अच्छा। अंग्रेजी में उस समय साइंस भी आ रही थी, थोड़ा लॉजिक भी आ रहा था, पर ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जो भी बोला, पर हमको सिर्फ इतना समझना है कि हमको अंग्रेजी को पढ़ाना है। तो अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए बहुत दिमाग लगाने, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर इतना बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। एक 6-7 साल 8 साल का बच्चा 1 साल में अंग्रेजी बोल सकता है, समझ सकता है। आप स्वर्गाश्रम चले जाइए, वहाँ का चाय बेचने वाला भी अंग्रेजी बोलता है। भाई अंग्रेजी क्यों बोलनी है आपको, लोगों से बात करनी है ना, किसी को अपना धंधा चलाना है, किसी को विदेश जाना है या कोई किताब पढ़नी है, तो अंग्रेजी को पढ़ना था। हमने अंग्रेजी को पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि बच्चे के दिमाग पे बोझ पड़ गया। क्योंकि अब आप अगर मान ले जाए नागनी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो पहले वो शब्द को समझने की कोशिश करेगा। तो ये बोल रहा था कि अगर अंग्रेजी को पढ़ाना होता तो हम अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ा सकते थे। अच्छा, आज के हिसाब से जो है, जैसे शिक्षा की बात है, दूसरे देशों की शिक्षा है, हमारी शिक्षा है, इस शिक्षा में बहुत सारी पॉलिसीज बन रही हैं, समय समय पर जो है एक नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति, लेकिन इसका जो है कुछ परिवर्तन जो चाहते हैं, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, वो धरातल पर दिखता नहीं है। जब आप नियम को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, तो ज़िंदगी बहुत साधारण नियम से चलती है, बहुत झंझट से नहीं चलती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, खाने की बात है, तो खाने में बहुत सारे आयुर्वेद पे दसियों ग्रंथ लिखे हुए हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, है ना, इस खाने से पहले पानी पीना है कि नहीं पीना है, ये सारे नियम अपनी जगह पे ठीक है। पर मूल नियम क्या है, मूल नियम ये है कि आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओ, ठीक है, तो और जितनी भूख लगी है उतना, जब भूख लगे तब खाना खाओ, है ना, और जो भी खाना खाओ वो पचना चाहिए, आपकी पाचन, ये मूल नियम है। इस मूल नियम के साथ बाकी सारी चीज़ें, आयुर्वेद का ज्ञान, भोजन पाकशाला का ज्ञान, जितने हमारे खान पीन का ज्ञान है, तो आप सारा आयुर्वेद पढ़ लीजिए और आप ये दो मूल नियम को छोड़ दीजिए तो सारा आयुर्वेद फेल हो जाएगा। ऐसे ही शिक्षा में भी दो मूल नियम है आज के हिसाब से। एक होती है शिक्षा में जो लॉजिस्टिक की बात है, साधन की बात है, तो सरकार का काम है साधन जुटाना, क्योंकि उसके पास ताकत है। भाई सरकार क्या है, सरकार कैसे बनी थी, भाई लोगों का पैसा टैक्स जमा होता था, भाई 1000 लोग मिल करके डिसीजन नहीं ले सकते, तो 1000 लोगों ने 10 लोगों को बोला कि भाई तुम हमारी तरफ से डिसीजन लो। क्या डिसीजन लो, कि जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है वो खर्च करने का काम आप करो। तो सरकार का काम था साधन जुटाना,
नीति बनाने का काम समाज का है। अभी सरकार, अभी क्या हो गया कि सरकार नीति भी बनाएगी, उसकी उसकी मनसा पे शक नहीं है, पर उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी, मतलब जो उसका काम नहीं है वो भी कर रही है, वो भी कर रही है। अब दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है नागनी में बैठे हुए आदमी को कैसे समझाएगी, कैसे समझेगी? तो नीति तो समाज को ही बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात आती है बहुत पहले कि पहले के समय में बोलते हैं कि व्यवस्था ही नहीं थी, मतलब पेड़ के नीचे भी जो है बच्चे पढ़ लेते थे। आज जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ हैं, सब साधन हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे जो है शून्य है। इसीलिए है क्योंकि सरकार जो रोल कर रही है वो ज़्यादा रोल कर रही है। अब आप एक आदमी को 10 रोल, एक आपके स्कूल में ही हैं, अब अगर आप प्रिंसिपल साहब को आप क्लर्क का भी रोल दे दो है ना, और दरवाजे बंद करने का भी रोल दे दो, तो नहीं कर पाएंगे। हर किस तो सरकार का रोल साधन जुटाने का है, वो सड़क बना सकती है, वो बिल्डिंग बना सकती है, पर शिक्षा का काम वही करेगा जो शिक्षा क्लासरूम में चल रहा है, समाज बैठेगा। तो शिक्षा का काम समाज को करना होगा, तो समाज ने अपना काम छोड़ दिया, इसलिए कुछ भी हो जाएगा, सरकार कितनी भी अच्छी नीति बना ले सरकार फेल हो जाएगी, है ना। शिक्षकों को तैयार करना पड़ेगा। अभी क्या है, शिक्षकों के साथ भी शिक्षक, अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, मटेरियल पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, मतलब पिछले 10 साल में किताबें बहुत अच्छी हुई हैं, सरकार ने बहुत मेहनत की है, बट शिक्षक को भी तो तैयार करना होगा, है ना। शिक्षक की, अच्छा, शिक्षक को तैयार करने का मतलब उसकी मानसिकता में भी तो बदलाव लाना होगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की बात है, है ना। अभी जो ट्रेनिंग हो रही है वो सब्जेक्ट पढ़ाने की हो रही है, शिक्षा क्या, तो क्या हो रहा है, आप ये देखेंगे कि NCERT या SCERT में बहुत अच्छे सोचने वाले लोग है ना, पर जो सोच रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, क्योंकि सोच पा रहे हैं, बहुत अच्छे मॉड्यूल बने हैं। हमारे टाइम पे अच्छी किताबें नहीं आती थी, अभी बहुत अच्छी किताबें आ रही हैं, पर जो सोच रहा है वो पढ़ा नहीं रहा है, और जो पढ़ा रहा है उसके पास सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इतना उलझा हुआ है। सरकार के जो सरकारी टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा गैर सरकारी कामों में उलझे हुए हैं, उनको तो सोचना ही है। तो दिक्कत ये है रही कि जो सोच रहा है शिक्षा के बारे में वो पढ़ा नहीं रहा, और जो पढ़ा रहा है वो सोच नहीं रहा या सोच नहीं पा रहा, तो अलग अलग मतलब हो ये रहा है कि आटा कहीं गूंदा जा रहा है और चूल्हा कहीं जल रहा है जी, है ना, तो रोटी नहीं बनेगी। तो जो आटा गूंदेगा उसको ये पता होना चाहिए कि कितने लोग खाने वाले हैं, गेहूँ कहाँ है ना, आटा कितना गूंदना है। तो सरकार संसाधन जुटाए और शिक्षक को स्वायत्त करेगी, तो जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होगी आप जो मर्जी कर लीजिए। अच्छा, आज शिक्षकों में भी ये देखा जा रहा है, उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करें कि ज़्यादातर जो है ऐसे लोग जिनकी रुचि भी नहीं है, रोज़गार के लिए इस में आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं रोज़गार के लिए, ये भी एक समस्या आ रही है कि ताकि लोग अनमने मन से जो है पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा भी कुछ आता है आपके संज्ञान में, आप जाते रहते हैं ऐसे सर्वे करते रहते हैं? नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि देखिए, हो सकता है आज से 10-15-20 साल पहले, जब अब तो जो सैलरी, जिस तरह से सैलरी जा रही है शिक्षकों की, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत अनमने मन से आ रहा है। हाँ ठीक है कि शिक्षक होना एक अलग घटना है, मतलब मन से कोई शिक्षक हो जाए, पर मुझको ऐसा लगता है कि यदि सरकार ठीक से मौका दे, जैसे मैंने फिनलैंड के बारे में बहुत सुना है, तो शिक्षक का एक सम्मान होने की ज़रूरत है। हमारे एक मित्र हैं सोमदेव त्यागी, कभी बात करेंगे उनसे, तो वो ये बोलते हैं, आप उनका एक वीडियो बहुत फेमस है, वो वीडियो, वो ये बोलते हैं कि जैसे पायलट हैं, तो पायलट हवाई जहाज उड़ाता है, तो पायलट का काम है कि इस देहरादून हवाई अड्डे से उड़ा और दिल्ली हवाई अड्डे में सुरक्षित पहुँचाया, तो पायलट हवाई जहाज ठीक से उड़ा सके इसके लिए कितना अमला है, नागरिक उड्डयन मंत्री से लेकर और तमाम हवाई अड्डे के सारे कर्मचारी और तमाम हवाई अड्डे के जितने साधन हैं, ये सारा का सारा चपरासी से लेकर मंत्री तक क्यों है? ताकि पायलट ठीक से उड़ा सके, पायलट अपना काम ठीक से करे, इसके लिए सारा जुगाड़ है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षक पायलट है, वो अपनी क्लासरूम में ठीक से पढ़ा सके, इसके लिए आपके प्रिंसिपल से लेकर और शिक्षा मंत्री तक। अब अगर ऐसी पायलट में हर दूसरे दिन हर दूसरा आदमी वहाँ घुस जाए कॉकपिट में कि मैं चेक करता हूँ तुम ठीक उड़ा रहे हो कि नहीं उड़ा रहे हो, तो शिक्षा विभाग का काम ये है कि शिक्षक को ठीक से ट्रेन करे। एक बार ट्रेन कर दिया तो अब वो पायलट है, अब उस पर हर तीसरे दिन ऑर्डर नहीं आ सकता, शिक्षक ऑर्डर से काम नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरा ख्याल है। शिक्षक तो स्वायत्त ही होगा।
अच्छा, शिक्षकों की स्वायत्तता होनी चाहिए। अच्छा, आज के समय में जैसे जो है ये कोरोना काल से चला है कि ऑनलाइन शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो बड़ी कक्षाओं के लिए तो कुछ संभव भी हो सकता नहीं। जैसे छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, 5 5 6 6 7 7 घंटे जो ऑनलाइन शिक्षा है, तो मेरे हिसाब से तो ये छोटे बच्चों के पे भी अत्याचार है। उसकी उसकी मुसीबत यह है कि हमने साक्षरता को शिक्षा मान लिया। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो साक्षरता तक के लिए ऑनलाइन ठीक है। आपको ABCD सिखानी है, आप सिखा देंगे। आपको एक एक दो तीन सिखाना है, आप सिखा देंगे। आपको परसेंटेज सिखाना है, वो भी सिखा देंगे, है ना। उसमें कोई मुसीबत नहीं है। पर आप ये मतलब मैं यही बोल जो हम बोल रहे हैं ना, कि मैं चाहता हूँ कि हम ठीक जगह पर ठीक शब्द इस्तेमाल करें। आप ये मत बोलिए कि ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, आप ये बोलिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा बड़ों की भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिंदा आदमी से ही सीखता है। क्योंकि शिक्षा हम किसको बोल रहे हैं भाई? शिक्षा तो हम बोल रहे हैं ना कि वो आदर करना सीखे, प्यार करना सीखे लोगों की, अपने देश से। अब आप अपने देश से प्रेम करना कैसे सिखा दो? अगर देश प्रेम ऑनलाइन सीखता तो इतनी देशभक्ति की फिल्में बनी हुई हैं, रोज़ फिल्में देख ही रहे हैं। तो शिक्षा नहीं होगी ऑनलाइन, ट्रेनिंग हो जाएगी। और वो कोई दिक्कत, वो कोई बुरी बात भी नहीं है, है ना। अगर आपके पास साधन है, डिजिटल चीज़ें आ गई हैं और आपके पास अच्छे टीचर मिल रहे हैं ऑनलाइन, पर हाँ उससे शिक्षा नहीं होगी। तो हम ठीक शब्द इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग ठीक है कि भाई वो अंग्रेजी सिखा रहा है, हाँ ठीक है। ऑनलाइन टीचर को अंग्रेजी सिखा देगा कि भाई ये ग्रामर के 4 नियम होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है, और वो बच्चा उसको जिसको सीखना होगा वो सीख जाएगा। बट शिक्षा उससे हो जाएगी? चांस ही नहीं बनता। अच्छा, एक छोटे बच्चों की उम्र जो है विद्यालय जाने की, जैसे सरकारी में पहले भी रहता था 5 साल लगभग होना चाहिए, लेकिन जब से प्राइवेटलाइजेशन हुआ है तो 2 साल का बच्चा भी जो है विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो इसका जो है छोटे बच्चों पे तो जो है बचपन तो ख़त्म हो रहा है। देखिए क्या है कि जो आप बच्चे को देंगे वो लौट आएगा। अभी के माँ बाप बहुत डरे हुए माँ बाप हैं। हमारे माँ बाप डरे हुए नहीं थे। हमारे माँ बाप के सामने ये समस्या नहीं थी कि खाएगा क्या। खाने की समस्या तो आज भी नहीं है, पहले से तो कम ही है। आज का माँ बाप जो है, ये जो सोशल स्टेटस है उससे डरा हुआ है। तो अपने डर को, डर की वजह से बच्चे को भेज रहा है, उसको लगता है पीछे ना छूट जाएं। तो ये जो 200 300 सालों की जो हमारी ट्रेनिंग हुई है आगे जाने की, तो इससे बचपन ख़त्म तो हो ही रहा है उसका। उसका उसका एक बहुत बड़ा मेंटलिटी उसकी जो बन रही है ना, वो ये बन रही है कि सामने वाले को यूज कैसे करना है। तो 2 3 साल का या 4 साल का बच्चा जब तनाव में रहेगा तो लौटाएगा क्या? बड़ा होके क्या लौटाएगा? तनाव ही लौटाएगा ना, जब जो आपने सिखाया वो ही देगा। तो हमको लग रहा है कि वो सीख रहा है, वो सीख नहीं रहा है, वो एडजस्ट करना सीख रहा है। क्या एडजस्ट करना सीख रहा है? कि अच्छा अब तो स्कूल जाना ही है ना, तो अब तो मैडम की बात सुननी है। तो धीरे से उसको ये समझ में आता है कि आदमी फायदे की चीज़ है, इसको इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसका भी यूज किया जा रहा है। माँ बाप आजकल अपने बच्चों को मेडल बना दिया छाती का, देखो हमारा बच्चा इतने बड़े स्कूल में जा रहा है ना। तो ये समस्या तो आएगी। अच्छा, शिक्षा को जो है रोजगार से जो है जोड़ने की बहुत ज़रूरत है आज। हाँ देखिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत तो हर समय ही रहती है। आज से पहले भी जिस हमारे जो लोग बोलते हैं कि प्राचीन भारत में कोई शिक्षा व्यवस्था थी, तो रोजगार से तो कभी भी विमुख नहीं थी शिक्षा। आज भी शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई है। समस्या ये है कि लिमिटेड रोजगार से जुड़ी हुई है। इसलिए क्या है, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा 2 3 रोजगार के लिए आदमी को तैयार करेगी भाई, नौकरी के लिए तैयार करेगी, बहुत हो गया तो कोई अपना बिजनेस के लिए भी शिक्षा तैयार नहीं कर पा रही है ना। ये बच्चे आगे जा के कोई बिजनेस चला सकें, जब तक 10 साल नहीं झुकेंगे तब तक बिजनेस चलाना नहीं आता। तो समस्या इस शिक्षा में ऐसा नहीं कि रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है, समस्या ये है कि एक ही 2 रोजगार से जुड़ी हुई है, नौकरी के रोजगार से। उसकी वजह से बाकी रोजगार के प्रति बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है, तो उनकी मानसिक तैयारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो जो बाकी रोजगार जब करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, इसलिए उस रोजगार के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनका दिमाग चल जाता है, ऐसे आजकल YouTube में आप देखेंगे हजारों पड़े हुए, कोई BA चाय वाला बन रखा है ना। तो क्यों नहीं शिक्षा में
एक चाय की दुकान चलाने का डिज़ाइन, एक है ना, एक आप मतलब हमें ये देख रहा हूँ कि आजकल ऑर्गेनिक का इतना व्यापार चल रहा है, लेकिन हमारी शिक्षा में उसकी कोई जगह नहीं है। तो शिक्षा को रोजगार, शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई ही है, बस एक ही रोजगार से जुड़ी हुई है, इसको कम से कम 10 रोजगार से 20 रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत है। तो नांगड़ी के स्कूल में अगर 20 रोजगारों इस देश में, मतलब यहाँ टूरिस्ट का इतना वो है ना, हमारे पास क्यों नहीं हाई स्कूल इंटर में टूरिज्म पे कोई एक कोर्स होता। भाई उत्तराखंड के जैसे समुद्र किनारे रहने वाले बच्चों के लिए समुद्र का कोई कोर्स होने की ज़रूरत है, ऐसी पहाड़ के बच्चों के लिए टूरिज्म का एक कोर्स होने की ज़रूरत तो है, तीर्थ यात्रा का कोर्स होने की ज़रूरत तो है। तो अगर नांगड़ी के स्कूल में 10-20 ना हो, 5-6 ही रोजगार सिखाए जाएं, तो एक ही रोजगार से जुड़ी हुई है। अच्छा, आपके आज के समाज की दृष्टि से और क्या, संक्षेप में और क्या होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? मुझको ऐसा लगता है कि बच्चों को एक तो छोटी उम्र में स्कूल नहीं जाना चाहिए जी। पर हाँ, आंगनवाड़ी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर सरकार उस पर और ध्यान दे, और सरकार ध्यान देने का मतलब सरकार संसाधन दे रही है, समाज ध्यान दे। अगर हमको अपने बच्चों की फिक्र है, आंगनवाड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था है, अगर उसको गांव चलाए, एक बात। दूसरा, कम से कम 8-9 साल तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, पढ़ाया जाए, और 9 साल के बाद उसको बढ़िया अंग्रेजी को पढ़ाया जाए, ठीक से पढ़ाया जाए, तो बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। और शिक्षा के स्कूलों में कम से कम 10-20 रोजगारों के बारे में कोई कोर्स डिजाइन हो, उनको अभी से पढ़ाया जाए, 9th से उनको बताया जाए कि भाई इतने तरह के रोजगार आपके इलाके में हैं, तो रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ज़्यादा रोजगार से, शिक्षा को एक ही रोजगार से जोड़ करके 10-20 रोजगार से जोड़ा जाए, आंगनवाड़ी को और मजबूत बनाया जाए, ताकि बच्चा 6 साल में आकर के आपके स्कूल में आए, है ना। 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में रहे, क्योंकि वहाँ वो अलग ढंग से चीज़ें सीखता है, है ना। और 6 साल तक मातृभाषा में ही सीखे, थोड़ा उसकी बोलने की अभिव्यक्ति अच्छी हो, मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी हो, तो मुझे लगता है इससे थोड़ा काम हो जाएगा और समाज इसमें अपनी भूमिका निभाए। तो ठीक है, धन्यवाद बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, जो ये शिक्षा नीति है और शिक्षा है, एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा के उसमें क्षेत्र में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्या है आपकी प्लानिंग? देखिए, प्लानिंग तो ये है कि आदमी का मानस ठीक हो जाए। अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो जब भी ठीक किया है तो आदमी ने ही ठीक किया है जी। और जब भी ख़राब हुआ है तो आदमी से ही ख़राब हुआ है, है ना। तो आदमी जो ठीक कर रहा है वो क्यों ठीक कर रहा है, और जो ख़राब कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो ध्यान देंगे तो उसकी मानसिकता का मामला है ना। तो आदमी की मानसिकता जैसी होती है वैसा वो करता है। तो शिक्षा में मूल जो काम करने का है वो काम ये है कि उसकी मानसिकता ठीक हो जाए। तो प्लानिंग ये है कि आदमी की मानसिकता ठीक हो जाए, पहला काम है कि मतलब मेंटेलिटी जो है हाँ ठीक हो, बिल्कुल दोनों की, जो है पढ़ने वाले की भी, पढ़ाने वाली यानी सीखने वाले की भी और सिखाने वाले की भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। सिखाने वाले की मानसिकता ठीक होगी तो वो सीखने वाले की मानसिकता ठीक कर देगा, है ना। देखिए, नियम ये कहता है कि जो आपके पास होगा आप वही बांटोगे। हाँ, जो है वही बांटेंगे, है ना। आप अच्छी गणित जानते हैं तो आप अच्छी गणित सिखा लेते हैं, है ना। हमने अच्छा मोबाइल बनाया, हमारे बच्चों ने मोबाइल चलाना सीख लिया। हमने अच्छे रिश्ते बनाए होते तो हमारे बच्चे आज, मतलब आज हम बोलते हैं तो मुझे, मतलब मैं थोड़ा फ्रेंकली ये बोलूँ कि बच्चों की गलती दिखती नहीं है। भाई बच्चों के पास जो उदाहरण है वो कर रहे हैं। हमने साइकिल चलाना सीखा, हमारे पूर्वजों ने साइकिल चलानी सीखी तो हमको साइकिल चलानी आई। आज हम स्कूटर चलाना जानते हैं तो हमारे बच्चे स्कूटर चलाना जानते हैं। हम रिश्ते चलाना जानते होते, है ना, चलाए हैं, किसी तरीके से चलाए हैं, किसी धार्मिक आस्था से चला दिए, पर वो मानसिकता में बैठ जाए, ऐसा बैठ जाए बिल्कुल जैसे कुदरत का कोई नियम होता है ना, जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है। अब इस पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। दुविधा नहीं, हाँ दुविधा कब होगी, जब आप नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे, जब आप अपनी मानेंगे हम अपनी मानेंगे। भाई अच्छा, अच्छा आदमी कौन होता है? जैसे हम बोलते हैं पानी पीने से प्यास बुझती है, इसमें आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ। अब आपने बोला कि बड़ा आदमी,
है ना। अब बड़ा आदमी देखेंगे तो बड़े आदमी के बारे में लोगों की मानसिकता बदल रही है ना। एक समय बड़ा आदमी कौन होता था, जो घर बार छोड़ देता था, समाज के लिए कुछ करता था। आज बड़ा आदमी कौन है, जिसके पास बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ी है, कोई बड़ा पद है। तो ये जो बदल रही हैं बार बार, हमारी मान्यताएं बदल रही हैं, इसकी वजह से बच्चा कन्फ्यूजन है। हमारी किताब में हम अभी भी गांधी बुद्ध पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में देखेंगे, जो बच्चा देखता है, बच्चा देखता है कि स्कूल में, घर परिवार में, गांव में किस आदमी का सम्मान ज़्यादा है, तो क्या दिखता है उसको? उसको दिखता है कि कौन से विधायक जी ज़्यादा बड़े हैं, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, सामान ज़्यादा है, घर में कौन बड़ा है। मतलब आज जो है भौतिकता की ओर, जो है भौतिकवाद की ओर ज़्यादा रुझान है। भौतिकता की वजह से मतलब भौतिकता की ओर रुझान होना कोई मुसीबत नहीं है जी। मुसीबत ये है कि हम दो जगह अलग अलग बात कर रहे हैं जी। हमारी किताबें कुछ और पढ़ा रही हैं। हमारी किताब ये बोल रही है कि जंगल, आपकी आपकी इधर भी लिखा रहता है ना, पर्यावरण जो है वो, और हम ऑल वेदर रोड भी बना रहे हैं। हाँ जी। जबकि एक बहुत सामान्य मनुष्य ये समझता है, समझदार आदमी ये समझता है कि पहाड़ में 6 महीने से ज़्यादा की यात्रा की ज़रूरत नहीं है। आप दिसंबर जनवरी में केदारनाथ जाके क्या कर लोगे? पर आप ऑल वेदर रोड बना रहे हैं और आप बोल रहे, और आप पर, और सर, मतलब सरकार की बात मैं कर रहा हूँ या समाज की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी सरकार के लोग हैं, आपको तो वो पढ़ाना ही होता है जो सरकार ने आपको सिलेबस दिया है। तो सरकार में एक एक तरफ आप सुंदरलाल बहुना को और चिपको आंदोलन को पढ़ाएंगे या गौरव देवी को पढ़ाएंगे, और बच्चा ये देख रहा है कि विधायक जी जो हैं, मतलब 10,000 जंगल काट करके जो है किसी बड़ी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो बच्चा कन्फ्यूजन में है, इसलिए बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहा है। आज से 100 साल पहले आपको याद होगा कि, या 50 साल पहले भी, हमारे बुजुर्ग भले ही कैसे भी रहे हों पर उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं दिखता था। अगर वो बोलते थे कि जंगल में देवता रहता है, तो जंगल में देवता रहता ही था, जंगल बसते ही थे। तो हमने भी यही सीखा। अब जो हमारे बच्चों की और हमारे बीच में जो समस्या खड़ी हो गई, वो खड़ी ये हो गई कि हम किताब में पढ़ा कुछ और रहे हैं और उसे समाज में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अच्छा, एक और बात आती है, जैसे ये है कि आज जो है बच्चों की मातृभाषा में जो है शिक्षा होनी है, इस पर भी विद्वानों में जो है कई जो है मत हैं। कुछ कहते हैं कि भाई छोटी आयु के बच्चे को मातृभाषा में सीखना चाहिए, कहीं आज जो है अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है व्यवहारिक रूप से। हाँ, तो इसमें क्या है कि हम जिसको बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देना, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात मानी जाती है ये कि नीर छीर विवेक करना। तो देखिए, अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर अंग्रेजी अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी में पढ़ना, इसमें अंतर है। हमको अंग्रेजी को पढ़ना था क्योंकि हम भाई ग्लोबल दुनिया चल रही है ना, अपने को देश दुनिया से बात करनी है, तो हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे, फ्रेंच को भी पढ़ेंगे, पर हमने क्या किया कि अंग्रेजी में पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक नागरिक का बच्चा अंग्रेजी में पढ़ करके कुछ नहीं कर पाएगा, अंग्रेजी को पढ़ करके, अंग्रेजी को पढ़ करके कुछ कर पाएगा। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी में नहीं पढ़ा, अंग्रेजी को पढ़ा और अंग्रेजों को भगाया। भाई भगत सिंह तो जिस कॉलेज में पढ़ते थे, तो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ कॉलेज था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, है ना। तो हम अंग्रेजी को पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी में पढ़ाने लग रहे हैं। राजा राम मोहन राय जी का भी आता है कि अंग्रेजी के प्रति जो है, अंग्रेजी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने में जो है। हाँ, राजा राम मोहन राय, देखिए क्या है, हर आदमी जिस सराउंडिंग में रहता है तो कुछ चीज़ों को वो ठीक समझता है, उसकी प्रतिक्रिया में। तो उस समय क्या है कि जिस सोसाइटी से वो थे, पता नहीं पूरे भारत की क्या स्थिति रही होगी, कोई सर्वे तो हमारे पास है नहीं, पर जिस सोसाइटी में वो थे, उस सोसाइटी में अंधविश्वास ज़्यादा था, सती प्रथा थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके मुकाबले जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, तो उनकी औरतें खुला दिखती थी, है ना, उनकी औरतों को उतना ज़्यादा बंधन नहीं दिखता था, तो उनको ये लगा कि अंग्रेजी की वजह से ये है जी, है ना। हालांकि वो यूरोप का कल्चर है, वो अंग्रेजी की, अंग्रेजी पढ़ने की वजह से अंग्रेज वैसे नहीं थे, वो उनका कल्चर वैसा है। तो उनको लगा कि अंग्रेजी पढ़ाने से कुछ होगा, थोड़ा दिमाग बदलेगा, थोड़ा अच्छा। अंग्रेजी में उस समय साइंस भी आ रही थी, थोड़ा लॉजिक भी आ रहा था, पर ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जो भी बोला, पर हमको सिर्फ इतना समझना है कि हमको अंग्रेजी को पढ़ाना है जी। तो अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए बहुत दिमाग लगाने, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर इतना बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। एक 6-7 साल 8 साल का बच्चा 1 साल में अंग्रेजी बोल सकता है, समझ सकता है। आप स्वर्गाश्रम चले जाइए, वहाँ का चाय बेचने वाला भी अंग्रेजी बोलता है जी।
भाई अंग्रेजी क्यों बोलनी है आपको? लोगों से बात करनी है ना, किसी को अपना धंधा चलाना है, किसी को विदेश जाना है या कोई किताब पढ़नी है, तो अंग्रेजी को पढ़ना था। हमने अंग्रेजी को पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि बच्चे के दिमाग पे बोझ पड़ गया। क्योंकि अब आप अगर मान ले जाए नागनी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो पहले वो शब्द को समझने की कोशिश करेगा। तो ये बोल रहा था कि अगर अंग्रेजी को पढ़ाना होता तो हम अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ा सकते थे। अच्छा, आज के हिसाब से जो है, जैसे शिक्षा की बात है, दूसरे देशों की शिक्षा है, हमारी शिक्षा है, इस शिक्षा में बहुत सारी पॉलिसीज बन रही हैं, समय समय पर जो है एक नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति, लेकिन इसका जो है कुछ परिवर्तन जो चाहते हैं, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, वो धरातल पर दिखता नहीं है। जब आप नियम को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, तो ज़िंदगी बहुत साधारण नियम से चलती है, बहुत झंझट से नहीं चलती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, खाने की बात है, तो खाने में बहुत सारे आयुर्वेद पे दसियों ग्रंथ लिखे हुए हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, है ना, इस खाने से पहले पानी पीना है कि नहीं पीना है, ये सारे नियम अपनी जगह पे ठीक है। पर मूल नियम क्या है? मूल नियम ये है कि आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओ, ठीक है, तो और जितनी भूख लगी है उतना जब भूख लगे तब खाना खाओ, है ना, और जो भी खाना खाओ वो पचना चाहिए, आपकी पाचन, ये मूल नियम है। इस मूल नियम के साथ बाकी सारी चीज़ें, आयुर्वेद का ज्ञान, भोजन पाकशाला का ज्ञान, जितने हमारे खान पीन का ज्ञान है, तो आप सारा आयुर्वेद पढ़ लीजिए और आप ये दो मूल नियम को छोड़ दीजिए तो सारा आयुर्वेद फेल हो जाएगा। ऐसे ही शिक्षा में भी दो मूल नियम हैं आज के हिसाब से। एक होती है शिक्षा में जो लॉजिस्टिक की बात है, साधन की बात है, तो सरकार का काम है साधन जुटाना, क्योंकि उसके पास ताकत है। भाई सरकार क्या है? सरकार कैसे बनी थी? भाई लोगों का पैसा टैक्स जमा होता था, भाई हजार लोग मिल करके डिसीजन नहीं ले सकते, तो हजार लोगों ने 10 लोगों को बोला कि भाई तुम हमारी तरफ से डिसीजन लो। क्या डिसीजन लो? कि जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है वो खर्च करने का काम आप करो। तो सरकार का काम था साधन जुटाना, नीति बनाने का काम समाज का है। अभी क्या हो गया कि सरकार नीति भी बनाएगी, उसकी उसकी मनसा पे शक नहीं है, पर उस पे ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी, मतलब जो उसका काम नहीं है वो भी कर रही है, वो भी कर रही है। अब दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है नागनी में बैठे हुए आदमी को कैसे समझाएगी, कैसे समझेगी? तो नीति तो समाज को ही बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात आती है बहुत पहले, कि पहले के समय में बोलते हैं कि व्यवस्था ही नहीं थी, मतलब पेड़ के नीचे भी जो है बच्चे पढ़ लेते थे। आज जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, सब साधन हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे जो है शून्य है। इसीलिए है क्योंकि सरकार जो रोल कर रही है वो ज़्यादा रोल कर रही है। अब आप एक आदमी को 10 रोल, एक आपके स्कूल में ही हैं, अब अगर आप प्रिंसिपल साहब को आप क्लर्क का भी रोल दे दो, और है ना, और दरवाजे बंद करने का भी रोल दे दो, तो नहीं कर पाएंगे। तो सरकार का रोल साधन जुटाने का है, वो सड़क बना सकती है, वो बिल्डिंग बना सकती है, पर शिक्षा का काम वही करेगा जो शिक्षा क्लासरूम में चल रहा है, समाज बैठेगा। तो शिक्षा का काम समाज को करना होगा, तो समाज ने अपना काम छोड़ दिया, इसलिए कुछ भी हो जाएगा, सरकार कितनी भी अच्छी नीति बना ले सरकार फेल हो जाएगी, है ना। शिक्षकों को तैयार करना पड़ेगा। अभी क्या है, शिक्षकों के साथ भी शिक्षक, अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मटेरियल पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, मतलब पिछले 10 साल में किताबें बहुत अच्छी हुई हैं, सरकार ने बहुत मेहनत की है, बट शिक्षक को भी तो तैयार करना होगा, है ना। शिक्षक को तैयार करने का मतलब उसकी मानसिकता में भी तो बदलाव लाना होगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की बात है, है ना। अभी जो ट्रेनिंग हो रही है वो सब्जेक्ट पढ़ाने की हो रही है, शिक्षा क्या, तो क्या हो रहा है, आप ये देखेंगे कि NCERT या SCERT में बहुत अच्छे सोचने वाले लोग है ना, पर जो सोच रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, क्योंकि सोच पा रहे हैं, बहुत अच्छे मॉड्यूल बने हैं, हमारे टाइम पे अच्छी किताबें नहीं आती थी, अभी बहुत अच्छी किताबें आ रही हैं, पर जो सोच रहा है वो पढ़ा नहीं रहा है, और जो पढ़ा रहा है उसके पास सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इतना उलझा हुआ है, सरकार के जो सरकारी टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा गैर सरकारी कामों में उलझे हुए हैं, उनको तो सोचना ही है। तो दिक्कत ये है कि जो सोच रहा है शिक्षा के बारे में वो पढ़ा नहीं रहा, और जो पढ़ा रहा है वो सोच नहीं रहा या सोच नहीं पा रहा, तो अलग अलग मतलब हो ये रहा है कि आटा कहीं गूंदा जा रहा है और चूल्हा कहीं जल रहा है, जी है ना।
तो रोटी नहीं बनेगी। तो जो आटा गूंदेगा उसको ये पता होना चाहिए कि कितने लोग खाने वाले हैं, गेहूं कहाँ है ना, आटा कितना गूंदना है। तो सरकार संसाधन जुटाए और शिक्षक को स्वायत्त करेगी। तो जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होगी आप जो मर्जी कर लीजिए। अच्छा, आज शिक्षकों में भी ये देखा जा रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करें कि ज़्यादातर जो है ऐसे लोग जिनकी रुचि भी नहीं है, रोज़गार के लिए इस में आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं रोज़गार के लिए। ये भी एक समस्या आ रही है कि ताकि लोग अनमने मन से जो है पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा भी कुछ आता है आपके संज्ञान में, आप जाते रहते हैं ऐसे सर्वे करते रहते हैं? नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि देखिए, हो सकता है आज से 10-15-20 साल पहले, जब अब तो जो सैलरी जिस तरह से सैलरी जा रही है शिक्षकों की, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत अनमने मन से आ रहा है। हाँ ठीक है कि शिक्षक होना एक अलग घटना है, मतलब मन से कोई शिक्षक हो जाए, पर मुझको ऐसा लगता है कि यदि सरकार ठीक से मौका दे, जैसे मैंने फिनलैंड के बारे में बहुत सुना है, तो शिक्षक का एक सम्मान होने की ज़रूरत है। हमारे एक मित्र हैं सोमदेव त्यागी, कभी बात करेंगे उनसे, तो वो ये बोलते हैं, आप उनका एक वीडियो बहुत फेमस है, वो वीडियो, वो ये बोलते हैं कि जैसे पायलट हैं, तो पायलट हवाई जहाज उड़ाता है, तो पायलट का काम है कि इस देहरादून हवाई अड्डे से उड़ा और दिल्ली हवाई अड्डे में सुरक्षित पहुँचाया। तो पायलट हवाई जहाज ठीक से उड़ा सके इसके लिए कितना अमला है, नागरिक उड्डयन मंत्री से लेकर और तमाम हवाई अड्डे के सारे कर्मचारी और तमाम हवाई अड्डे के जितने साधन हैं, ये सारा का सारा चपरासी से लेकर मंत्री तक क्यों है? ताकि पायलट ठीक से उड़ा सके, पायलट अपना काम ठीक से करे, इसके लिए ये सारा जुगाड़ है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षक पायलट है, वो अपनी क्लासरूम में ठीक से पढ़ा सके, इसके लिए आपके प्रिंसिपल से लेकर और शिक्षा मंत्री तक। अब अगर ऐसी पायलट में हर दूसरे दिन हर दूसरा आदमी वहाँ घुस जाए कॉकपिट में कि मैं चेक करता हूँ तुम ठीक उड़ा रहे हो कि नहीं उड़ा रहे हो, तो शिक्षा विभाग का काम ये है कि शिक्षक को ठीक से ट्रेन करे। एक बार ट्रेन कर दिया तो अब वो पायलट है, अब उस पर हर तीसरे दिन ऑर्डर नहीं आ सकता, शिक्षक ऑर्डर से काम नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरा ख्याल है शिक्षक तो स्वायत्त ही होगा। अच्छा, शिक्षकों की स्वायत्तता होनी चाहिए। अच्छा, आज के समय में जैसे जो है ये कोरोना काल से चला है कि ऑनलाइन शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो बड़ी कक्षाओं के लिए तो कुछ संभव भी हो सकता नहीं, जैसे छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं 5-5, 6-6, 7-7 घंटे जो ऑनलाइन शिक्षा है, तो मेरे हिसाब से तो ये छोटे बच्चों के पे भी अत्याचार है। उसकी मुसीबत यह है कि हमने साक्षरता को शिक्षा मान लिया जी। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है जी। है ना, तो साक्षरता तक के लिए ऑनलाइन ठीक है, आपको ABCD सिखानी है आप सिखा देंगे, आपको एक एक दो तीन सिखाना है आप सिखा देंगे, आपको परसेंटेज सिखाना है वो भी सिखा देंगे, है ना, उसमें कोई मुसीबत नहीं। पर आप ये मतलब मैं यही बोल जो हम बोल रहे हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि हम ठीक जगह पर ठीक शब्द इस्तेमाल करें। आप ये मत बोलिए कि ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, आप ये बोलिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, शिक्षा नहीं हो सकती, शिक्षा बड़ों की भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिंदा आदमी से ही सीखता है। क्योंकि शिक्षा हम किसको बोल रहे हैं भाई, शिक्षा तो हम बोल रहे हैं ना कि वो आदर करना सीखे, प्यार करना सीखे लोगों की, अपने देश से। अब आप अपने देश से प्रेम करना कैसे सिखा दो? अगर देश प्रेम ऑनलाइन सीखता तो इतनी देशभक्ति की फिल्में बनी हुई हैं, रोज़ फिल्में देख ही रहे हैं। तो शिक्षा नहीं होगी ऑनलाइन, ट्रेनिंग हो जाएगी, और वो कोई दिक्कत, वो कोई बुरी बात भी नहीं है, है ना। अगर आपके पास साधन हैं, डिजिटल चीज़ें आ गई हैं और आपके पास अच्छे टीचर मिल रहे हैं ऑनलाइन, पर हाँ उससे शिक्षा नहीं होगी। तो हम ठीक शब्द इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग ठीक है कि भाई वो अंग्रेजी सिखा रहा है, हाँ ठीक है, ऑनलाइन टीचर को अंग्रेजी सिखा देगा कि भाई ये ग्रामर के 4 नियम होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है, और वो बच्चा उसको जिसको सीखना होगा वो सीख जाएगा, बट शिक्षा उससे हो जाएगी चांस ही नहीं बनता। अच्छा, एक छोटे बच्चों की उम्र जो है विद्यालय जाने की, जैसे सरकारी में पहले भी रहता 5 साल लगभग होना चाहिए, लेकिन जब से प्राइवेटलाइजेशन हुआ है तो 2 साल का बच्चा भी जो है विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो इसका जो है छोटे बच्चों पे तो जो है बचपन तो ख़त्म हो रहा है। देखिए क्या है कि जो आप बच्चे को देंगे वो लौटाएगा। अभी के माँ बाप बहुत डरे हुए माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप डरे हुए नहीं थे, हमारे माँ बाप के सामने ये समस्या नहीं थी कि खाएगा क्या। खाने की समस्या तो आज भी नहीं है, पहले से तो कम ही है। आज का माँ बाप जो है ये जो सोशल स्टेटस है उससे डरा हुआ है, तो अपने डर को, डर की वजह से बच्चे को भेज रहा है, उसको लगता है पीछे ना छूट जाए।
तो ये जो 200-300 सालों की जो हमारी ट्रेनिंग हुई है आगे जाने की, तो इससे बचपन ख़त्म तो हो ही रहा है उसका 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 एक बहुत बड़ा मेंटलिटी उसकी जो बन रही है ना, वो ये बन रही है कि सामने वाले को यूज कैसे करना है। तो 2-3 साल का या 4 साल का बच्चा जब तनाव में रहेगा तो लौटाएगा क्या, बड़ा होके क्या लौटाएगा, तनाव ही लौटाएगा ना, जब जो आपने सिखाया वो ही देगा। तो हमको लग रहा है कि वो सीख रहा है, वो सीख नहीं रहा है, वो एडजस्ट करना सीख रहा है। क्या एडजस्ट करना सीख रहा है कि अच्छा अब तो स्कूल जाना ही है ना, तो अब तो मैडम की बात सुननी है। तो धीरे से उसको ये समझ में आता है कि आदमी फायदे की चीज़ है, इसको इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसका भी यूज किया जा रहा है। माँ बाप आजकल अपने बच्चों को मेडल बना दिया छाती का, देखो हमारा बच्चा इतने बड़े स्कूल में जा रहा है ना, तो ये समस्या तो आएगी। अच्छा, शिक्षा को जो है रोजगार से जो है जोड़ने की बहुत ज़रूरत है आज। हाँ देखिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत तो हर समय ही रहती है, आज से पहले भी। जिसको जिस हमारे जो लोग बोलते हैं कि प्राचीन भारत में कोई शिक्षा व्यवस्था थी, तो रोजगार से तो कभी भी विमुख नहीं थी शिक्षा। आज भी शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई है, समस्या ये है कि लिमिटेड रोजगार से जुड़ी हुई है। इसलिए क्या है, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा 2-3 रोजगार के लिए आदमी को तैयार करेगी, भाई नौकरी के लिए तैयार करेगी, बहुत हो गया तो कोई अपना बिजनेस के लिए भी शिक्षा तैयार नहीं कर पा रही है ना। ये कोई ये बच्चे आगे जा के कोई बिजनेस चला सकें, जब तक 10 साल नहीं झुकेंगे तब तक बिजनेस चलाना नहीं आता। तो समस्या इस शिक्षा में ऐसा नहीं कि रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है, समस्या ये है कि एक ही दो रोजगार से जुड़ी हुई है, नौकरी के रोजगार से। उसकी वजह से बाकी रोजगार के प्रति बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है तो उनकी मानसिक तैयारी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो जो बाकी रोजगार जब करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, इसलिए उस रोजगार के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनका दिमाग चल जाता है, ऐसे आजकल यूट्यूब में आप देखेंगे हजारों पढ़े हुए, कोई BA चाय वाला बन रखा है ना, तो क्यों नहीं शिक्षा में एक चाय की दुकान चलाने का डिज़ाइन, एक है ना, एक आप मतलब हम, मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल ऑर्गेनिक का इतना व्यापार चल रहा है लेकिन हमारी शिक्षा में उसकी कोई जगह नहीं। तो शिक्षा को रोजगार, शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई ही है, बस एक ही रोजगार से जुड़ी हुई है, इसको कम से कम 10 रोजगार से 20 रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत है। तो नांगड़ी के स्कूल में अगर 20 रोजगारों इस देश में, मतलब यहाँ टूरिस्ट का इतना वो है ना, हमारे पास क्यों नहीं हाई स्कूल इंटर में टूरिज्म पे कोई एक कोर्स होता। भाई उत्तराखंड के जैसे समुद्र किनारे रहने वाले बच्चों के लिए समुद्र का कोई कोर्स होने की ज़रूरत है, ऐसी पहाड़ के बच्चों के लिए टूरिज्म का एक कोर्स होने की ज़रूरत तो है, तीर्थ यात्रा का कोर्स होने की ज़रूरत तो है। तो अगर नांगड़ी के स्कूल में 10-20 ना हो, 5-6 रोजगार सिखाए जाएँ, तो एक ही रोजगार से जुड़ी हुई है। अच्छा, आपके आज के समाज की दृष्टि से और क्या, संक्षेप में और क्या होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? मुझको ऐसा लगता है कि बच्चों को एक तो छोटी उम्र में स्कूल नहीं जाना चाहिए जी। पर हाँ, आंगनवाड़ी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर सरकार उस पर और ध्यान दे, और सरकार ध्यान देने का मतलब सरकार संसाधन दे रही है, समाज ध्यान दे। अगर हमको अपने बच्चों की फिक्र है, आंगनवाड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था है अगर उसको गांव चलाए, एक बात। दूसरा, कम से कम 8-9 साल तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, पढ़ाया जाए, और 9 साल के बाद उसको बढ़िया अंग्रेजी को पढ़ाया जाए, ठीक से पढ़ाया जाए, तो बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा है ना। और शिक्षा के स्कूलों में कम से कम 10-20 रोजगारों के बारे में कोई कोर्स डिजाइन हो, उनको अभी से पढ़ाया जाए, 9th से उनको बताया जाए कि भाई इतने तरह के रोजगार आपके इलाके में हैं। तो रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ज़्यादा रोजगार से, शिक्षा को एक ही रोजगार से जोड़ करके 10-20 रोजगार से जोड़ा जाए, आंगनवाड़ी को और मजबूत बनाया जाए ताकि बच्चा 6 साल में आकर के आपके स्कूल में आए, है ना। 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में रहे क्योंकि वहाँ वो अलग ढंग से चीज़ें सीखता है ना, और 6 साल तक मातृभाषा में ही सीखे, थोड़ा उसकी बोलने की अभिव्यक्ति अच्छी हो, मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी हो, तो मुझे लगता है इससे थोड़ा काम हो जाएगा और समाज इसमें अपनी भूमिका निभाए। तो ठीक है, धन्यवाद बबुना जी।